और गरीब जब लाइन में कतार में खड़ा होकर के उनके गरीबों का पैसा ही कभी 500 कभी 1000 रुपया दे करके बर्बाद कर दिए, उस पूंजी को रखा, पूंजी को और कंगाल बना दिए भारत के गरीबों को। तीनों काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस। नरेंद्र मोदी हाय हाय। स्वागत है आपका मूव मीडिया में, आपके साथ मैं हूं आदित्य सिंह। इस समय हम हैं गाजीपुर में, यही वो जो आप मेरे साथ लोग देखिए सब बिहार से हैं और जो यहां पे ये आए हैं इनका कहना है कि अब बिहार को बंद किया जाएगा, वहां पर चक्का जाम होगा। पहले तो बताइए कि क्या वजह रही। ये तीन कृषि कानून के वापस की मांग को लेकर और MSP की गारंटी देने वाली कानून बने, इस मांगों को लेके यहाँ जो गाजीपुर बॉर्डर पर 9 महीने से आंदोलन चल रहे थे उसके समर्थन में बिहार से 500 की संख्या में जत्था यहाँ आई थी और इसमें लगातार हम लोग यहाँ जत्थेवार धरना दे रहे थे और आज बिहार का जत्था बिहार लौट रहा है, कुछ साथी यहाँ रुक रहे हैं और इस आंदोलन में हम लोग शामिल रहेंगे। ये जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं, MSP की गारंटी देने वाले कानून नहीं बन जाती है, तब तक ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा और इस आंदोलन को हम यहाँ से संदेश लेकर बिहार जा रहे हैं और बिहार में भी इस आंदोलन को फैलाएंगे। अभी तक हम लोगों ने जो महापंचायत तय किया है, संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है, उसको बिहार में गाँव से लेकर पंचायत जिला ने आंदोलन किया है और अभी जो कल मुजफ्फरनगर में ऐतिहासिक महापंचायत भारत बंद का ऐलान किया है, वह 27 तारीख को बिहार में जोरदार ऐतिहासिक बंद होगा, पूरा जाम होगा। ये बिहार के किसान, ये किसान मजदूर एकताबद्ध होकर संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान सभा से संबंध, ये बिहार राज्य किसान सभा के लोग सड़क पर उतर के पूरे बिहार को चक्का जाम करेंगे। तो अब आगे जो है मुजफ्फरपुर में जिससे कि पंचायत पर में आप क्या कहेंगे? ये तो पूरे मुजफ्फरनगर में पूरे भारत के किसान आकर के नरेंद्र मोदी को दिखाया है कि तुम अभी भी चेतो, अभी भी तुम संभलो, नहीं तो आने वाला दिन जोगी का उत्तर प्रदेश में और 2024 में बिहार से उसका खात्मा होगा और नरेंद्र मोदी भी 2024 में देश से, उनका जो ये नीति के चलते वो अपने गद्दी से हटेंगे। भारत का इतिहास यही कहता है, मनमोहन सिंह के समय में भी जो आया था निकोडियल के, उस पर भी पूरा देश के जनता ने उसको भी विदा किया। कांग्रेस जो नरसिंह राव ने नई आर्थिक नीति डंकल प्रस्ताव लाए थे, उनको भी किसान मजदूरों ने ही मुँह तोड़ जवाब दिया और इनको भी मुँह तोड़ किसान मजदूर एकताबद्ध होकर के हम लोग देंगे और इनको गद्दी से हटावेंगे। तमाम सार्वजनिक संपत्ति को ही बेच रहे हैं, इनका नारा था देसी, अब कोई देसी नहीं है। इनके जो जनसंघी नीति है RSS के हिंदूवादी नीति, इसको ही बढ़ा चढ़ा करके सिर्फ जनता के बीच में है, बाकी इनके सारे वादा फेल हैं। न महंगाई को रोक सके, न बेरोजगारी को रोक सके, न किसानों को समर्थन मूल्य दे करके उनका आय दुन्ना कर सके और न काला धन ला करके किसानों को और मजदूर गरीबों को 15 लाख जो कहे वो भी नहीं दिए, उल्टे नोटबंदी करके पूरे देश के गरीबों का जो रखा पैसा, मेहनत का पैसा था, वो एक साथ जमा करके और पूंजीपतियों को हाथ में दे दिए और गरीब जब लाइन में कतार में खड़ा होकर के उनके गरीबों का पैसा ही कभी 500 कभी 1000 रुपया दे करके बर्बाद कर दिए, उस पूंजी को रखा, पूंजी को और कंगाल बना दिए भारत के गरीबों को। इसका जवाब नरेंद्र मोदी को मिलेगा और ये तीनों काला कानून वापस करना पड़ेगा। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तीनों काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस। तीनों काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस। नरेंद्र मोदी हाय हाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.